हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली पहली लिस्ट में जगह, मचा बवाल। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने के दो दिन बाद कांग्रेस ने भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शनिवार देर रात जारी कर दी। 53 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत व उनकी बहू अनुकृति का नाम नहीं है। कांग्रेस बाकी बचे 17 उम्मीदवारों की लिस्ट रविवार दोपहर जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर खटीमा से भुवन चंद कापड़ी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने रात 12:15 बजे लिस्ट जारी की। पार्टी ने सभी 9 सिटिंग विधायकों प्रीतम सिंह, मनोज रावत, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद, हरीश धामी, करण मेहरा, आदेश सिंह चौहान और गोविंद सिंह कुंजवाल को उन्हीं सीटों से उतारा है जहां से वे विधायक हैं। इसके अलावा हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले यशपाल आर्य को बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य को कांग्रेस ने नैनीताल से उतारा है। कांग्रेस ने कोटद्वार सीट से सुरेंद्र सिंह नेगी को उतारा है जहां से हरक सिंह रावत मौजूदा विधायक है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस उन्हें कहां से उतारती है। बीजेपी में हरक सिंह रावत अपने लिए केदारनाथ सीट और बहू अनुकृति के लिए लेसडॉन से टिकट मांग रहे थे। लेसडॉन में कांग्रेस के लोग हरीश रावत या उनकी बहू को टिकट दिए जाने के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं।